हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने मॉड्यूलेशन के बारे में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एडवांटेजेज डिसएडवांटेजेज पर डिस्कशन किया था। एंड आज उससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फेज का, कि फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है। देन जनरली जैसे कोई भी हम लोग वेव्स के बारे लिखते हैं, तो उस वेव का जब नॉर्मल इक्वेशन लिखा जाता है तो उसी में फेज का चर्चा आता है। तो फेज मॉड्यूलेशन क्या है? एक्चुअली फेज जो होता है वो एंगल को बताता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फेज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन आपको दिमाग में होगा, ये बताता है जब एक वेव दूसरे वेव पर सुपरपोजिशन करता है, उस परिस्थिति को बताता है। तो ये है कि द फेनोमिना ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। सो लिखेंगे द फेनोमिना ऑफ सुपर पोजिशन, द फेनोमिना ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल, द फेनोमिना ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच दैट इट्स फेज इज मॉड्यूलेटेड, सच दैट इट्स फेज, फेज मतलब समझिएगा एंगल, इट्स फेज इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ, अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। एक्चुअली जो फेज मॉड्यूलेशन होता है वो एक ऐसा फेनोमिना है, ऐसा घटना है जिसमें एक वेव दूसरे वेव से सुपरपोजिशन करता है तथा इस सुपरपोजिशन से जो फेज है, आप कह सकते हैं जो एंगल है, वो मॉड्यूलेट होता है अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिग्नल, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो आपको कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह का जो मॉड्यूलेशन है, इस मॉड्यूलेशन को हम लोग कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। और फेज मॉड्यूलेशन का अपना फेज मॉड्यूलेशन का अपना
एडवांटेजेज है तथा डिसएडवांटेजेज हैं। तो ये सारी घटना हम लोग पढ़े अबाउट द मॉडुलेशन, और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉडुलेशन फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज मॉडुलेशन फैक्टर, मॉडुलेशन फैक्टर किसको कहते हैं। मॉडुलेशन इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट टू विच द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड बाय द मॉडुलेटिंग सिग्नल। जैसे कोई भी सिग्नल जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है कितना एक्सटेंट में, कितना गुना तक बदल गया, चेंज हो गया, ये आपको बताता है मॉडुलेशन इंडेक्स। उसी तरीके से मॉडुलेशन फैक्टर क्या है, एक रेशियो है चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ, इट इज डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव, टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव। मीनिंग क्या हुआ कि मॉडुलेशन फैक्टर एक ऐसा रेशियो है जो हम लोग को बताता है कि मॉडुलेशन होने के बाद, मॉडुलेशन जब हो गया तो उसके बाद एम्पलीट्यूड में क्या बदलाव आया एंड इनिशियल स्टेट में उसका क्या एम्पलीट्यूड था। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है बाय जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसके रेशियो को ये बताता है मॉडुलेशन फैक्टर। मॉडुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से मॉडुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं दैट इसका जब एक्सप्रेशन निकालेंगे या सिग्निफिकेंस जब हम लोग बात करेंगे मॉडुलेशन फैक्टर्स सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है इसका या सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स। किसी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर एन एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, लेट अस कंसीडर एन एम्पलीट्यूड
मॉडुलेटेड वेव। हम लोग एक एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे हियर ई एम, और जो ई एम है या ई मैक्स, और एक लिखेंगे ई मीन। तो जो ई मैक्स है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जो ई मीन है यह आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ई मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ई मीन मिनिमम एम्पलीट्यूड को। अब हम लोग यहाँ से जैसे चेंज को जब शो करना है तो कैसे दिखा सकते हैं, तो ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई सी। ई एम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटेड वेव इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई सी, और ई एम इज इक्वल टू ई सी माइनस ई मिनिमम। ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई सी, और ई एम इज इक्वल टू ई सी माइनस ई मिनिमम। अब आप लेट दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड करते हैं तो ई एम प्लस ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई सी प्लस ई सी माइनस ई मीन। मीन हियर स्टैंड्स फॉर मिनिमम। अब इसके बाद एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एलएचएस पोर्शन को जोड़ेंगे तो ई एम प्लस ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई सी प्लस ई सी माइनस ई मीन। तो ई एम और ई एम इधर से जुड़ गया, तो टू ई एम इज इक्वल टू, कैंसल हो जाएगा ये, यू विल हैव ई मैक्स माइनस ई मीन। 2EM is equal to E max minus E mean। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं EM बराबर
ई मैक्स माइनस ई मीन बाय टू एंड ई सी का वैल्यू हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई एम। ये आप इक्वेशन वन से देख सकते हैं दैट ई सी इधर चला जाएगा इज इक्वल टू ई एक्स ई मैक्स माइनस ई एम। एंड नाउ हम लोग फर्दर ऑन इसके वैल्यू को यदि सॉल्व करते हैं we will have EC बराबर E max माइनस EM का वैल्यू E max माइनस E mean by 2। तो देखिए आगे इसको रिजॉल्व करेंगे तो ई मैक्स दिस विल बी ई मैक्स बाय टू एंड प्लस ई मीन बाय टू। ई मैक्स में ई मैक्स बाय टू जाएगा तो ई सी बराबर यू विल हैव ई मैक्स बाय टू प्लस ई मीन बाय टू तो ई सी बराबर ई मैक्स प्लस ई मीन बाय टू। ई सी बराबर ई मैक्स प्लस ई मिनिमम बाय टू। ये हो गया एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है तो इसमें आपको जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू ई एम बाय ई सी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ई एम बाय ई सी ये फॉर्मूला होता है। अब जो ई एम हम लोग का इससे पहले आया था वो था ई मैक्स माइनस ई मीन बाय टू डिवाइडेड बाय ई मैक्स प्लस ई मीन बाय टू। ये आपको हो गया ई मैक्स माइनस ई मीन बाय टू बटा ई मैक्स प्लस ई मीन बाय टू। एंड यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे it implies that MA modulation index
इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मीन बटा ई मैक्स प्लस ई मीन। इसका वैल्यू वेरी करता है बिटवीन 0 to 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 up to 1। एंड यदि परसेंटेज में आपको इसको निकालना है तो देन इजीली आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसका किस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आता है, इफ़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इफ़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम वेव, इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम वेव इज 12 volt एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 4 volt, then find modulation index in percentage, then find modulation index in percentage। दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो आपको है 12 volt और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो है 4 volt। तो यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि फाइंड किया जाएगा तो वो कितना आएगा। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के, इसमें आपको सबसे पहले जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ already given to you, just put on the formula and जो भी answer आए percentage में लाने के लिए we just have to multiply that with 100। इसी फॉर्मूला पर आगे बढ़ेंगे एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू ई मैक्सिमम, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 volt एंड मिनिमम दिया हुआ है 4 volt। तो 12 volt माइनस 4 volt बाय ई मैक्स प्लस ई मिनिमम 12 volt प्लस 4 volt। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 8 volt बाय 16 volt, कैंसिल हो जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 8 by 16, 1 by 2 दैट इज 0.5। तो ये आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया 0.5। परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि निकालना है देन 0.5 दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 50%। व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस,
इसका मतलब क्या हुआ कि 50% चेंज आता है आफ्टर मॉडुलेशन, इनिशियल वैल्यू जो था उसके बाद उसमें 50% का चेंजेज आता है मॉडुलेशन करने के बाद। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया। अब इसी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब मॉडुलेशन के बारे आपसे इंडेक्स मॉडुलेशन इंडेक्स पूछा जाएगा तो वैल्यू विज डेफिनेटली लाई बिटवीन 0 to 1। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट वैल्यू ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स विल लाई बिटवीन 0 to 1? बिकॉज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये डिफरेंस को बताता है और ये जो वैल्यू है वो समेशन को बताता है। दिस वैल्यू टेल्स अस अबाउट द डिफरेंस एंड दिस वैल्यू टेल्स अस अबाउट द समेशन। तो देन ये वैल्यू हमेशा इससे लोअर ही होगा, इससे कभी भी इवन इफ ये वन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वन होने के लिए आपको ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इज इक्वल टू ई मैक्स प्लस ई मिनिमम, ये चीज़ें आपको सेम करना पड़ेगा और ये चीज़ सेम हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब सेम दो क्वांटिटीज को माइनस किया जाए और फिर वही दोनों क्वांटिटीज को प्लस किया जाए तो रिजल्टेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। जीरो कब हो सकता है? जब ये और ये इक्वल हो जाएगा, जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इक्वल हो जाएगा, आप घटाइएगा उस समय ये आपको जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट रूप से इस टॉपिक को देखा एंड नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट डी मॉडुलेशन। नेक्स्ट क्लास में डी मॉडुलेशन का बात होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।